करो बैंक का सारा बोल बोला नेता बोल गया है जला दिखाओ तो कौन से दिखाओ तो झारखंड सरकार को लिख के दे क्या आदिवासी होते हैं कि दिखाओ तो घुसना बारे में तो लोग घुसना मुझे नहीं ना कुत्ता साला घुसना बंद करो समाज के चक्कर सलाम उसने कल वक्त दिया कि बैठ के सलाम आते जीते करो धीरे छुटिया रोटी समाज के चक्कर चलते छुटिया सलाम तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को आपने नहीं देखा तो रोतिया समाज का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें। आज आपको एक सीक्रेट ऑडियो भी इस वीडियो में सुनाने वाला हूं। आप सभी को पता होगा कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में एक रोतिया समाज का व्यक्ति जो खुद को एक फर्जी दस्तावेज के आधार पर चेरू की जनजाति बतला रहा है और कोलीबीरा विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी हाथी छाप से चुनाव लड़ रहा है। इस दोगले फर्जी रोतिया का नाम है सुरेंद्र सिंह। खूंटी जिला में रोतिया जाति को गुमराह करके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी नकली जनजाति आदिवासी जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा था। कई गांवों से चंदे लेकर भी खा गए, गुमराह करके कई आयोजन किए। ये वही सुरेंद्र सिंह है जो हमें खोखरा पहाड़ पर वीडियो शूटिंग करने से रोका था। हम खोखरा पहाड़ पर रोतिया के इतिहास पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने वाले थे। सुरेंद्र सिंह ने हमें इसलिए रोका क्योंकि वे आप तक सच नहीं पहुंचाना चाहते थे और आपको इसी तरीके से कर चंदा जमा करके उल्टा सीधा रोतिया इतिहास बताकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहते थे। अखिल भारतीय रोतिया समाज विकास परिषद के द्वारा ही इस चेरो और कंवर जनजाति नाम के कलंक का जन्म रोतिया समाज में हुआ, जो आज पूरे रोतिया समाज को बर्बाद कर शर्मसार कर रहा है। जो रोतिया समाज, जो एक रोतिया जाति एक स्वतंत्र जाति है, उसे सिर्फ राजनीति और लोभ के लिए चंद मुट्ठी भर लोग पूरे समाज को स्वार्थ और लोभ के लिए अंधेरे में ढकेल दिए हैं। आज अपने जेब भरने के लिए ये लोग समाज को इस्तेमाल कर रहे हैं, भोले भाले मासूमों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए झूठा और गलत इतिहास बनाकर लोगों के सामने रख रहे हैं। आज आपको एक गुमला का वकील और बेड़ो का एक बूढ़े के बारे में बताऊंगा। बेड़ो का एक बूढ़ा सारी उम्र सिर्फ एसटी आरक्षण के लोभ में उल्टे पुल्टे फर्जी किताबों का वाक्य बनाकर पूरे रोतिया समाज का झूठा इतिहास बनाने में जिंदगी खपा दिया और झूठे फर्जी दंत कथा बताकर पूरे समाज में फैला दिया। उसी तरह एक गुमला का वकील, वो भी एसटी आरक्षण के लोभ में और लोभ दिखाकर हर झूठी बातों को सच बताकर कभी कंवर तो कभी चेरो की उपजाति में समर्थन देकर पूरा जीवन षड्यंत्र किया। इस वकील ने पूरे समाज को सिर्फ एक ही झूठी चीज पर केंद्रित करवा दिया, वो है एसटी आरक्षण। ये लोग सामाजिक कार्य के नाम पर हर वो काम किए जिसमें लोभ और राजनीति था, पर आज तक कोई सही सामाजिक कार्य नहीं हुआ। आयोजन कई हुए पर सिर्फ वहां गुमराह किया गया, सच को छिपाया गया। आज आप अपने समाज का सही इतिहास तक नहीं जानते हैं, ना हम जानते हैं। आज तक ना हमारी भाषा संस्कृति को बताया गया, ना उसके संरक्षण के लिए कोई भी कार्य किया गया। ऐसा कभी नहीं रहा था कि पैसों की समस्या कभी रही हो समाज में, और ना समाज में जनता का उत्साह कम था। जहां बुलाते वहां लोग चल जाते थे, वे मंच में बैठते और भोली भाली जनता कड़े धूप पर जमीन में बैठते भूखे प्यासे समाज के लिए आम जनता हमेशा आगे आए, पर उसी भोली भाली जनता के साथ छल कपट राजनीति सिर्फ किया गया। उनको वोट बैंक बनाकर रखा गया, झूठे सपने दिखाए, झूठा इतिहास बताया, झूठे दंत कथाएं बताए, मन मर्जी मन गलत मन मुताबिक समाज को गुमराह करते रहे। रोतिया समाज के लोगों की सिर्फ एक ही भूल हुई कि इन्होंने इन पर आंख बंद करके विश्वास किया और ये हर बार आपके विश्वासों को तोड़ते गए, समाज को भटकाते रहे। आज इन्हीं चापलूसी दलालों वाली राजनीति से पूरा समाज पूरा बिखर गया है और आज आप सब कुछ अपने आंखों से देख ही रहे हैं। आपको बता दें कि रोतिया एक सदान समाज है जो कि कभी जनजाति नहीं हो सकता। आदिवासियों के कई सालों तक संपर्क में रहने के कारण उनके कुछ पर्व और कुछ संस्कृति सदान समाज में भी देखने को मिलते हैं, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। सदान और जनजाति आदिवासी दो अलग अलग समुदाय हैं। यही सच्चाई को आपको नहीं बताया गया और इतने सालों से खुद को आदिवासी सिद्ध करने के लिए समाज को गुमराह किया गया और अपने अस्तित्व को धूमिल किया गया।
हाँ तो तोई कार ने तो राजपूत है कि सेल विरोध करा थी। हाँ तो बहुत होशियार है। तुम्हारे बहुत बड़ा आदमी है। हाँ हाँ तुम्हें आओ पीटे के ले। हाँ तो तुम्हें लिख के दे ही। हम लिख के कोनो नहीं दे ही समाज का विरोध। हाँ हाँ चुप रह। हाँ तो लिख के तुम्हें दे दे। हाँ देखाओ ताकत तुम्हें। हाँ हाँ तुम्हें देखाओ नहीं ताकत। राजपूत है कि तुम्हें राजपूत है कि तुम्हें राजपूत है कि तुम्हें राजपूत है कि तुम्हें राजपूत है कि से लेकर अथी यू आर नोट करो उसकी।